अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बजट 2021 और 22 के हवाले से। इस बजट को लेके काफ़ी बहस मुबासा किया जा रहा है, अपोजिशन हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है और ये कहा जा रहा है कि बजट खसारा कहाँ से पूरा किया जाएगा। नाज़रीन, 8000 रुपये पर मुश्तमल ये बजट पेश किया गया कौमी असम्बली में, जिसके अहदाफ के बारे में बताते हुए ये बताया गया कि 5700 अरब रुपये टैक्स की मद में इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन 2300 अरब रुपये का खसारा कहाँ से पूरा किया जाएगा। क्या मुल्क में फिर महंगाई की जाएगी, अशिया की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत बढ़ाई जाएगी, कैसे ये बजट खसारा पूरा किया जाएगा। और नाज़रीन, 1947 से लेकर 2006 तक टोटल जो है वो 6000 अरब रुपए के करीब कर्जा हासिल किया गया और ये 6000 अरब रुपए इस मुल्क पे लगे वो नज़र भी आए। इन 6000 अरब रुपयों से हमने एक पूरा शहर बसाया इस्लामाबाद, इसके अलावा ग्वादर खरीद के हमने उसे एक आलमी मंडी, एक मार्केट बनाया। उसके बाद इतनी बड़ी फौज का, इतनी बड़ी दुनिया की 5वें नंबर की फौज जो है उसको स्टेबल किया, नेवी उसको स्टेबल किया और पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर किया। लेकिन नाज़रीन, 2008 से लेकर 2010 का ये जो जमहूरी सुनहरी दौर गुजरा, इस दौर में मुल्की कर्जे में 20000 अरब रुपए का इजाफा हो गया और ये 20000 अरब रुपए कहाँ पे लगे ये कोई पता नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये 26000 अरब रुपए से ज़ायद अब जो कर्जा है इस मुल्क के ऊपर, 2000 अरब रुपए सालाना जो है वो सूद की मद में अदा किए जा रहे हैं, वो इस कौम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। ये जुल्म किसने किया और क्यों किया, इस हवाले से बात करेंगे। और नाज़रीन, साहिवाल के अंदर एक कोयले से एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्लांट माजी में लगाया गया, लेकिन बदकिस्मती से साहिवाल में तो कहीं कोयला भी नहीं है। ये कोयला कराची से आना था और इसके लिए एक पूरा रेलवे ट्रैक बिछाया जाना था कि एक पूरा रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा और उस ट्रैक पे ये कोयला कराची से साहिवाल आएगा और उसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा प्लांट। और ये एक ऐसा दानिशमंदाना फैसला था कि पहले कोयले को ट्रैवल करवाया जाता, ईंधन को प्लांट तक पहुंचाने के लिए पहले ईंधन का ही इस्तेमाल किया जाता, उस पर अखराजात इस कदर बढ़ जाते कि ये काबिले अमल ना रहता। ये मनसूबा बनाया गया ये कोयले से बिजली पैदा करने के लिए और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उस पर काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाते चलें। दानियाल बाजवा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे एडवोकेट मियां वकासुल हक साहब, लीगल एडवाइज़र, लीगल मीडिया एडवाइज़र हैं समंदरी से, और समर इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तजिया नगार। तमाम मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। भट्टी साहब, ये बताइएगा, ये बजट जो 2021-22 पेश किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 5700 अरब रुपए का जो हदफ दिया गया है वो तो हुकूमत ने कहा है जी टैक्स जो है उनकी मद में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो बाकी बजट खसारा है इसको कैसे पूरा किया जाएगा? जी साहब, बेसिकली टारगेट तो बहुत बड़ा है, जो 8400 खुद ही अपने लिए इतना बड़ा टारगेट रखा है, जिसको मतलब उन्होंने खुद के लिए एक बड़ा टारगेट इसलिए सेट किया है कि ये टारगेट अचीव होगा तो कुछ माशी तौर पर कुछ हालात भी सेट होंगे। अच्छा, इसमें अब जो इसकी रेवेन्यू की जो बात आती है वो कलेक्शन तो ऑब्वियसली मुश्किल होगी, उसमें से कुछ 5700 अरब तो इन्होंने रखे हैं कि जो FPR से कलेक्ट किए जाएंगे, जो उससे उसको टारगेट दिया जाएगा। ये हदफ काफी हद तक लग रहा है कि ये इससे बेहतर कलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो पिछले साल की जो पोजीशन रही है उसके अंदर भी तकरीबन कोई 4000 अरब तो इन्होंने पहले को 10 महीनों में ही कलेक्ट कर चुके हुए थे। तो वो जो टैक्स कलेक्शन की जो रेशियो है वो इस गवर्नमेंट की बेहतर रही है, और अभी भी जो बाकी जो 2000 या 2300 अरब ऊपर से जो रहता है, जो इस रेवेन्यू पर जो टारगेट में जो उन्होंने पूरा करना है, उसका बेसिकली जो प्लानिंग की गई हुई है वो यही है कि जी एक हमारे माशरे में आपको पता है कि काफी ज्यादा तबका इस तरह का है कि जो टैक्स दहिंदगान नहीं है, तो उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जाएगी। कि अब लेट्स सपोज जो पिछले दिनों में फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जी जो हमारे यहाँ जो प्राइवेट बिजनेस का जो तबका है कि जिसके अंदर ज्यादातर जो डीलरशिप होती है, ये जो मिडल मैन का जो रोल अदा करते हैं, ये वो तबका है कि जो टैक्स नेट में अभी तक पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं आता। हालांकि
आपके पाकिस्तान में जितने भी ज्यादा इश्यूज जो सामने आते हैं उनमें ज्यादातर इस तबके का रोल होता है, माजरत के साथ। जी वो जी इसलिए क्योंकि देखिए नीचे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जो नीचे से जो हमारे किसान जिम्मेदार तबका लगा लें कि जो फसल अपनी जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके अपनी फसल को पैदावार करके, अच्छी पैदावार करके मार्केट में लाते हैं, तो वो जो मेहनत करने वाला मैन्युफैक्चरर है या जिम्मेदार है उसको इतना उसका जो मुआवजा है वो नहीं मिलता जितना कि मिडल मैन ले जाता है। जी और इसके बरक्स उसके ऊपर जो टैक्स नेट का जो मामला है वो उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि जी वो कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म लेकर आना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर ये मिडल मैन जो है उसको टैक्स नेट में लाया जाएगा, और अगर मिडल मैन को टैक्स नेट में लाया जाता है तो मेरे ख्याल में काफी हद तक ये अपने टारगेट के करीब करीब पहुंच जाएंगे। जी काफी हद तक अपने टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। दानियाल बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। अच्छा बाजवा साहब, ये फरमाइएगा, ये जो टैक्स का खसारा है 2300 अरब रुपए, ये कैसे पूरा किया जाएगा? क्या ये फिर महंगाई की तरफ जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू का मौका फराहम किया। देखिए जी जी बात यह है कि ये टैक्स जितना भी है अगर आप देखा जाए तो ये आज आज से तो नहीं है, पिछले 1-2 साल से तो नहीं ये खसारा हुआ। ठीक है, ये तो जी सदियों से जब जो मामला था सारे जो पिछली हुकूमतें हैं जिनकी नाहियों की वजह से आज ये सब खसारा आज पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक बात है आपकी करंटली सिचुएशन की तो यकीनन अभी भी बहुत से फ्लॉज ऐसे हैं कि टैक्स कलेक्शन के अंदर हमारे जो मुल्क का निजाम है वो बिल्कुल जो उनका पसारत था उसमें कोई टैक्स कलेक्शन का निजाम नहीं था। लेकिन अब जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इस पे दिन रात मेहनत कर रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदे को टैक्स सर्कल के अंदर लेके आया जाए। जो तमाम छोटे ताजर हैं या बड़े ताजर हैं, जैसे भी आज से पहले हम ये देख रहे हैं कि जो बहुत बड़े ताजर हैं उनको भी वो भी अपने टैक्स चोरी कर रहे थे और जो छोटे ताजर हैं वो भी टैक्स चोरी कर रहे थे। आज जी जाके जो मिडिल क्लास बंदा है वो सिर्फ इसमें जकड़ा नहीं, जाता है बाजवा साहब, टैक्स उसके के टैक्स की आप बात कर रहे हैं, टैक्स तो ठीक है, वो तो उन्होंने हदफ बता दिया अपने FBR की तरफ से कि 5700 अरब रुपए जो हैं वो रिकवर किए जाएंगे। इस पर टारगेट हमने सेट किया है कि 5700 अरब रुपए के टैक्स जो हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे, लेकिन ये जो खसारा है 2300 रुपए का, सॉरी 2300 अरब रुपए का ये जो खसारा है, ये कैसे पूरा किया जाएगा? क्या ये फिर महंगाई की तरफ, अशिया की कीमतों में रद्दबदल की जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाएगी, LPG गैस की कीमत बढ़ाई जाएगी, कैसे ये पूरा किया जाएगा? सर देखिए फिर वक्त तो जो हसारा या जो भी हसारा भी आपने बताया है ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो 5 से 3 साल पहले जब तरीके से आपकी गवर्नमेंट आई थी उससे लेकर अब तक तो काफी फर्क वैसे भी आया है। ठीक है, चीजों में हसारा कम हुआ है लेकिन इसमें मजीद कमी आएगी इंशाल्लाह तआला। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है आपने बजट देखा बड़ा अच्छा फ्रेंडली बजट आया है, आवाम दोस्त बजट है, ये वाला आवाम को रिलीफ मिला इन चीजों के अंदर। पेट्रोल की कीमतों की आपने बात किया, पेट्रोल की कीमत अगर आप देखें तो अभी भी जो हमारे एशिया में दूसरे ममालिक हैं जो उधर वहां पर पेट्रोल की कीमतें हैं पाकिस्तान में आज भी उससे कम है पेट्रोल की कीमतें। ठीक है, जी लेकिन ऑब्वियसली जी बात है कि जब एक आपके ऊपर मुल्क कर्जों में डूबा हो और आपने लोगों के पैसे अदा करने हो तो फिर ऑब्वियसली बात है उसका एट दी एंड खमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ता है और आवाम को वो खमियाजा जो उनका वो महंगाई की सूरत में ही भुगतना पड़ता है। जी, मियां वकास साहब, आपको आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं मुझे? जी, ताहर साहब आपकी आवाज आ रही है जी। मुझे मियां साहब, ये फरमाइएगा, ये गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है? ये 5700 अरब रुपए जो हैं, ये तो टैक्स नेट के जरिए इकट्ठा करने का हदफ इन्होंने रखा है, पता नहीं ये पूरा होता है या नहीं होता, लेकिन ये जो बाकी खसारा फिलहाल नजर आ रहा है जो 2300 अरब रुपए का, ये कैसे पूरा करेंगे? ये महंगाई की सूरत में पूरा होगा? जी ताहर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। जी जी, इमरान खान के लिए और PTI के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो इन्होंने जो गवर्नमेंट इनको मिली है, जिस हाल में मिली है और जिस क्राइसिस में ये मुल्क जा रहा था, कोरोना की सूरत हाल आप देख लें और रेवेन्यू की कलेक्शन की सूरत हाल आप देख लें और जो करप्शन थी इस मुल्क में, जिस मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला था, उसमें इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया है। अगर ये इसी हिसाब से अगर जो इन्होंने ये बजट पेश किया जो पार्लियामेंट में, ये आवाम दोस्त बजट है, इसमें कोई ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि ये चैलेंज इनके लिए कि बहुत
नामुमकिन है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इमरान खान को जो भी चैलेंज मिले हैं इसने काफी हद तक उसको अबूर किया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो है ये परफॉर्मेंस देगी इस हवाले से। जो टैक्स रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं कि ये टैक्स रेवेन्यू इन्होंने काफी हद तक इसमें बेहतरी लाए हैं, टैक्स जो कलेक्शन हुई है ये काफी हद तक बेहतर हुई है पहले से। आप जो सबका अदवार में देखें, जो नून लीग की गवर्नमेंट गुजरी है, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट गुजरी है, जितनी करप्शन इन्होंने अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टियां, अपने मुल्क की बदहाली को इतनी दूर तक ले गए हैं कि एक अगर ईमानदार बंदा आया तो हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए, अगर हम पर थोड़ा सा बोझ पड़ता है तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। क्योंकि ये अगर हम अपने एक घर में, ये खानदान हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा घर है, हम एक खानदान है पाकिस्तानी, अगर एक घर में एक इतना कर्जा आपके ऊपर हो तो आप इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी की कोशिश करते हैं। और उस खानदान के लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा सब्र करें और कोई कॉम्प्रोमाइज करें इनके साथ। तो बट जी मियां साहब आपका मौकफ आ गया। बट साहब ये फरमाइएगा, ये कर्ज जो था 6,000 अरब रुपए, यानी 59 साल में ये टोटल कुल जो कर्जा था 59 साल में सिर्फ 6,000 अरब रुपए लिया गया, लेकिन वो लगा हुआ नजर भी आया। इस्लामाबाद सिटी को देख लें, वो बनाया, उसके बाद ग्वादर वाली जगह वो एक मुकम्मल जो है वो तजारती मरकज बन गया, उसके अलावा काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ हमारे मुल्क का, लेकिन जी लेकिन ये जो ये दो सुनहरी जमहूरी दौर जो 10 साल का गुजरा है उसमें ये जो 20,000 अरब रुपए के कर्ज लिए गए हैं ये कहाँ पे लगे हुए हैं, ये नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? ताहिर साहब बेसिकली देखें, आपको मोटर भी तो दिए हैं उन्होंने, मोटर भी दिए हैं आपको, ऑरेंज ट्रेन भी दी है आपको, मेट्रो भी दी है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे ना। बेसिकली वो पैसा जो लिया हुआ है वो उसको अगर कोई एक सही तरीके पे उसको इन्वेस्ट किया जाता तो आज हो सकता है कि पाकिस्तान उसी पैसे से इतनी इनकम जनरेट कर रहा होता कि वो अपने कर्जे भी उतारने उसके लिए आसान होते, लेकिन इस चीज के ऊपर प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं की गई। अभी अभी ये जो करंट गवर्नमेंट जा रही है इसने कुछ इसके ऊपर पेशरफ ये की है कि आप अगर अपने चार्ट खोल के देखें ना तो उनमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल डेट्स थे वो 2018 तक उनकी रेशो ये थी कि ये कंटिन्यूअसली मजीद माइनस में जा रहे थे, कि आपको हर साल पहले से ज्यादा कर्ज मजीद लेना पड़ता था कि जो कि सिर्फ सूद की मद में चला जाता था। जी मैं आपको एक छोटी सी इसकी एक फिगर बता देता हूँ, आप वहां से आइडिया लगाएं कि 2016 में जो कर्ज मजीद लिया गया पूरे साल का वो तकरीबन कोई 8.8 अरब लिया गया, फिर उसके बाद 2017 में जो है वो 9.5 अरब लिया गया, 2018 में उसकी रेशो जो थी वो कोई तकरीबन को 11.8 अरब तक चली गई। जी अब 2019 में जो है वो उसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके, जो इस तरह इनकी लोग तो कहते हैं कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो अपने नारे लगाए वो बात पूरी नहीं की, लेकिन अगर हम ऑन रियलिटी देखें तो ये चीजें तो बेहतर हुई हैं कि 2019 में ये 11.1 अरब तक लेकर आए, 2020 में जो इन्होंने नए कर्ज दिए वो 6.7 अरब दिए, और अभी 2021 के अंदर जो नए कर्ज दिए गए हैं वो तकरीबन को 3.3 अरब लिए गए हैं। जी अब इसका मतलब ये है कि ये अगले कोई मजीद को 2 साल आके तो जो पोजीशन है वो ये आ जाएगी कि हम लोग अभी तो सिर्फ जो माइनस में पोजीशन जा रही थी हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तकरीबन को 2023 के बाद जाके ये पोजीशन आ जाएगी कि हम लोग जो एक्चुअल अमाउंट होगी उसको भी माइनस करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह 2023 में ये पोजीशन आ जाएगी। जी बिल्कुल। और इसमें जो इस गवर्नमेंट का एक और जो सबसे अच्छा कदम जो मुझे नजर आया है, जो डैम्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं ये जो दयामीर भाषा डैम और दूसरे डैम के ऊपर जो काम हो रहा है ये इतना अच्छा। बट साहब ये बड़े दुख की बात है, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, इसमें बड़ा इसमें दुख होता है ये जान के कि इतना कर्ज भी लिया गया लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं की, कोशिश नहीं की कि चलें ये डैम्स जो हैं इन पे तवज्जो दें, इनको बना लें, लेकिन वो जो आप देख लें कैसे तवज्जो देते कि आप देखें ये जो भी गवर्नमेंट आती गई उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो कभी की ही नहीं। हर गवर्नमेंट की ये कोशिश रही कि ये ऐसे मंसूबे किए जाएंगे जो 3-4-5 साल के अंदर अंदर कम्प्लीट हो जाए और वो अपनी तख्तियां लगा लें उसके ऊपर, यानी कि कोई इन द लॉन्ग रन कोई प्लानिंग की जाती है। अब जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट ने की है कि अभी जो दो डैम बन रहे हैं इनकी दोनों की जो टाइम ऑफ कम्प्लीशन है वो तकरीबन कोई 6-8 साल के अंदर है, तो मतलब इनको अब ये शोर तो नहीं है कि अगली गवर्नमेंट इनकी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने ये सोचे बगैर ही स्टेप लिया, मुल्की मफाद में लिया, और ये जो दो डैम बन जाएंगे इनकी जो इनका जो फायदा हमारी इकोनॉमी को पहुंचेगा उसके बारे में अभी हम लोगों को अंदाजा ही नहीं।
जी आप देखें कि जब सिर्फ बिजली हमें सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी, कि जो यूनिट हमें अभी तकरीबन को 20 रुपए से ऊपर कॉस्ट कर रहा है, यही यूनिट बिजली का जब हमारी इंडस्ट्री को मिलेगा और वो तकरीबन को 3, 4 या 5 रुपए तक जाके कॉस्ट उसकी पड़ेगी, तो उसके साथ आप खुद सोचें कि आपकी पूरा जो मौसी निजाम है उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। जी डेफिनेटली बड़ी साहब, प्राइस जो है वो चीजों की कीमतें रिड्यूस होंगी, कम होंगी और लोगों को काफी सहूलियत मिलेंगी। बाजवा साहब ये फरमाइएगा, ये अपोजिशन वाले तो कह रहे हैं ये जो हमारे शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं इन पे तख्तियां लगा लगा के ये क्रेडिट खुद ले रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसके ऊपर इनकी कंपनियां लगानी है? और वैसे भी तारीख में आप देखें, कोशिश करने वाले को कोई नहीं आ सकता जो पाया तकमील तक प्रोजेक्ट्स की आपने बात की कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहते हैं जी ये पावर सेक्टर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने शुरू किए थे एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए, और ये अब उन प्रोजेक्ट्स पे अपनी तख्तियां लगा के ये क्रेडिट हासिल कर रहे हैं कि जी हमने मुल्क की जो तारीखियां दूर कर दी। सर मुल्क की तारीखियां इन्होंने क्या पिछले 2 सालों में दूर की है? ये तो पिछले 30 साल से बरसरे इंतजार है, किसी ना किसी सूरत में, कभी पंजाब में, कभी वफाक में, इसी तरह से